और ये जवाब जेल के अगेंस्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर अननेसेसरी उनको परेशान किया गया जैसे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह बाहर आ गए जेल से, तो ज़रूर वोट से जवाब दिया जाएगा। दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, तीन बार से बार बार जिता रही है, कुछ तो बात है। और आप देखते ही लगता है कि यार सैल्यूट है, काम तो किया है हमारे, धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई लीडर जो है जेल में पड़ा हुआ है और उसको जो है वोट दे रही है। क्योंकि लोग केजरीवाल के काम से इम्प्रेस्ड है तो लोग वोट तो देंगे ही उसे। अभी तक तो जो था, बट जैसा न्यूज में आया गया कि उन्होंने इतना बड़ा किया हुआ है तो अब उनको वोट देना सही नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। मौजूद हैं दिल्ली के सरोजनी नगर में, यहां पे देश के तमाम हिस्सों से जनता मौजूद है। उन लोगों से जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कितनी नुकसानदायक और कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो 4 लोकसभा सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी जीत का दबदबा बना पाएगी या नहीं। आइए जानते हैं जनता की राय। सर, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद है, तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी फ़ायदेमंद या कितनी नुकसानदायक हो सकती है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी? ये सब देखिए मैम, ये सब राजनीति है। बीजेपी पार्टी भी कम नहीं है ना आम आदमी पार्टी कम है, सब ये राजनीति है। इसमें पब्लिक का नुकसान है, इसमें सब अपनी अपनी जो पार्टी वाले सब अपना फ़ायदा देखता है, कोई किसी पब्लिक की तरफ कोई नहीं करता। तो आपको लगता है कि जो 4 लोकसभा सीटें हैं आम आदमी पार्टी उस पर जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? मुश्किल है, हाँ। पर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के लिए 4 लोकसभा सीटें जीतना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है या कितना नुकसानदायक हो सकता है? बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि पब्लिक का पूरा सपोर्ट है। उन्होंने दिल्ली में बहुत कुछ काम करे, स्कूलों को लेके, हॉस्पिटल को लेके, बसों को लेके, मोहल्ला क्लिनिक को लेके, और ईमानदार सरकार है। क्या मुश्किलें और क्या अटकलें ऐसी हो सकती हैं जो आ सकती हैं? कुछ नहीं, झूठा आरोपों में फंसा रखा तो उसको अगर पब्लिक अंधभक्ति की तरफ ना जाए तो जीतेंगे, अगर अंधभक्ति की तरफ जाएंगे तो हारेंगे। स्टिल अब केजरीवाल जेल में चलेगा तो काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस बन चुका है अब, खासकर अपोजिशन का। तो अब लोगों का सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल चॉइस बीजेपी है दिख रहा है। मेरे को तो नहीं लगता कोई चैलेंज आएगा, क्योंकि लोग केजरीवाल के काम से इम्प्रेस्ड है तो लोग वोट तो देंगे ही उसे। बाकी जो इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है जेल का जवाब वोट से, आपको लगता है कि जनता जेल का जवाब वोट से देना चाहेगी? जनता केजरीवाल में बिलीव रखती है तो मेरे को लगता है जी देगी जवाब। आई एग्री। अभी तक तो जो था, बट जैसा न्यूज में आया गया कि उन्होंने इतना बड़ा किया हुआ है तो अब उनको वोट देना सही नहीं रहेगा। अब बीजेपी सही है इनके लिए, अभी तक वो करके गए हुए हैं सारा घोटाला में इतना दिन से, मतलब जितने का इल्ज़ाम लगा रहे थे उनके साथ खुद वो चीज़ हो गया। नुकसान ही है, बड़े अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कितना कुछ किया है, बसेस फ्री करी हैं, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं जगह जगह, तो हमारे लिए तो भाई बड़े अच्छे हैं, वो आना चाहिए उन्हें बाहर। जी मैम, जैसा आम आदमी पार्टी ने कैंपेन जारी किया है, कैंपेन में उन्होंने बोला है जेल का जवाब वोट से, तो आपको लगता है दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी? देगी बिल्कुल देगी, हम दोनों को वोट देंगे। सर, जैसा कि आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी के लिए उनकी गिरफ्तारी कितनी फ़ायदेमंद या कितनी नुकसानदायक हो सकती है? मैम वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं आई थिंक, मतलब लोगों के साथ इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। बेसिकली क्या है, जो उन्होंने नीति बनाई थी वो बहुत गलत है मेरे हिसाब से, जो शराब है बाय वन गेट वन फ्री, और जो भी घोटाला उन्होंने किया है, शीश महल बनाया है, जितने पैसों का उन्होंने शीश महल बनाया था ना मैम, उतने मुझे लगता है 1000 घर का भला हो सकता था उन पैसों से, अगर वो करना चाहते तो। ढोंग करते हैं, ये करते वगैरह करते हैं, यहाँ इस क्षेत्र के विधायक हैं, 10 सालों में वो शायद से 2 बार भी नहीं आए होंगे यहाँ पे। सर, बाकी जो आम आदमी पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया है उसमें उन्होंने बोला है कि जेल का जवाब वोट से, दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी, आपको क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो, जो पहले जैसा हिसाब किताब है वैसा रहेगा, पर यह है कि अगर जो समझदार व्यक्ति होगा, जो फ्री के लालच में नहीं होगा, जैसे 5 रुपए के टिकट, अगर आपने कुछ चीज़ फ्री देनी है तो दूध के साथ दूध दीजिए, शराब के साथ शराब देने का मतलब सेहत को, सेहत बढ़ाइए ना, सेहत प्रमोट कीजिए। अगर आप एक अच्छे नेता है ना तो आप सेहत प्रमोट कीजिए, हेल्थ प्रमोट कीजिए। आप मैम, कठिनाइयाँ तो आएंगी लेकिन इतनी भी नहीं आएंगी, क्योंकि उस पार्टी के जो लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छा समाज है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो लोगों की गरीबी को लेके और एक जो एकजुटता दिखाई है उन्होंने, सीएम ने जो अपना जो कर्म था वो तो करा ही है, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए इतना बीच के जो उठ के आए हैं तो वो समाज के लिए बहुत अच्छा है।
तो जो आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन लॉन्च किया है उसमें उन्होंने बोला है जेल का जवाब वोट से, तो जनता देगी वोट, आपकी क्या राय है इसको लेकर? बिल्कुल देगी मैम, इसको तो देना बनता है। और ये अब जो फर्ज बनता है ये पब्लिक की तरफ से फर्ज बनता है, जो उन्होंने अदा किया वो तो किया ही है, अब पब्लिक की तरफ से जो सपोर्ट बनता है वो करना चाहिए। मैं आपको ना पूरे तरीके से बताऊंगा, बिकॉज आई एम इन दिल्ली सिंस आई वाज बोर्न इन दिल्ली, सो ऑलमोस्ट 30-35 इयर्स पूरे दिल्ली में रहते हुए हो चुके हैं। अब देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता ने इनको 3 बार अपॉर्चुनिटी दी है अरविंद केजरीवाल को, सो उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने प्रॉब्लम बना दिया, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने प्रॉब्लम बना दिया है, अब प्रॉब्लम्स बना दिया है और पूरी दिल्ली का एक तरीके से बुरा हाल कर दिया है, नाश मार दिया है। सड़कें आप देखो या गलियां देख लो, सब काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। बार बार यही कहते रहते हैं कि हम बीजेपी में काम नहीं करने दे रही, बीजेपी में यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ बाय योर यू नो एक्शंस। आप बार बार बीजेपी को ये नहीं कह सकते बीजेपी मुझे ये नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही। सर बाकी जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन है उन्होंने जारी किया है उसमें उन्होंने बोला है जेल का जवाब वोट से, तो जनता देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि कोई लीडर जो है जेल में पड़ा हुआ है और उसको जो है वोट दे रही है। वो कहीं के अनिल कपूर नहीं है जो जेल में पड़े रहेंगे और हम उनको वोट देते रहेंगे। जेल आप पहले बेल पे तो आइए, आपने अपने फ़ोन के सारे सबूत क्यों मिटा दिए? आपने क्यों नहीं ईडी को अपना फ़ोन दिया? 9 बार समन पे भी नहीं गए, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ? और रही बात घोटाला किया है नहीं किया है, ये बात तो आप जांच का विषय है, इस ये जांच पे ही रहने देते हैं, इस पे हम और आप क्या ही कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, 3 बार से बार बार जिता रही है, कुछ तो बात है। और आप देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, हमारा उम्र भी लगभग 38-37 हो चुका है, लेकिन आज तक इतने पार्टियों को हम देखते हैं, किसी भी पार्टी के नेता को देखकर ये करने का दिल नहीं करता है, लेकिन यही एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसके किसी भी नेता को आप नज़र उठा के देख लो, देखते ही लगता है कि यार सैल्यूट है, काम तो किया है। धन्यवाद, थैंक यू। ये तो मैम हमें पता नहीं है, बट इतना पता है कि केजरीवाल ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, तो हम लोग केजरीवाल को ही हमेशा मान के चले हैं और केजरीवाल को ही अपने मन के अंदर मानते हैं। बाकी बीजेपी कुछ करे ना करे हम लोग को कोई वो नहीं है, लेकिन केजरीवाल के लिए हम दिल से धन्यवाद करेंगे और हम लोग वोट भी केजरीवाल को देंगे। सर जैसा कि आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी कठिनाइयां सामने आने वाली हैं या कितनी कामयाबी बन सकती है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए? कठिनाइयां सर कितनी भी आ जाए लेकिन आम आदमी पार्टी की जीत होनी है लास्ट में, क्योंकि उसके कारनामे अच्छे हैं। गरीब लोगों की सहायता केजरीवाल ने की है, दिल्ली के अंदर हर तरह से सहयोग किया है, हर तरह से व्यवस्था की है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी तो एक्चुअली नहीं होना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि सब आम आदमी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मतलब मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ अरविंद केजरीवाल की से। आपको लगता है कि वो जेल से चारों लोकसभा सीटें जीत पाएंगे? दिल्ली में तो जीत ही जाएंगे, 100% जीत ही जाएंगे। बाकी सर आम आदमी पार्टी ने कैंपेन जारी किया है उसमें उन्होंने बोला है जेल का जवाब वोट से, तो आपको लगता है कि जनता जेल का जवाब वोट से देगी? बिल्कुल देगी, और ये जवाब जेल के अगेंस्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर अननेसेसरी उनको परेशान किया गया जैसे मनीष सिसोदिया या संजय सिंह बाहर आ गए जेल से, तो जरूर वोट से जवाब दिया जाएगा। जनता की राय आप सबने सुनी, हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके सर पे ये ताज सजाती है। मैं प्रियंका चावला कैमरामैन जुबैर चौधरी के साथ इंसाफ की बात, सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली।